नमस्ते, मैं डॉक्टर जया मिश्रा पिछले 25 सालों से उज्जैन में प्रैक्टिस कर रही हूँ और पिछले 12 सालों से हम लोग जेके हॉस्पिटल चला रहे हैं। किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट लेने में हमें आज तक कोई झिझक नहीं, कितना भी सीरियस पेशेंट लेने में हमें आज तक कभी परेशानी नहीं हुई और किसी भी पेशेंट को देखकर मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा। लेकिन कल जो मैंने देखा और जो महसूस किया उसको देखकर मुझे जो सिहरन अभी तक हो रही है, अचानक ऑक्सीजन की कमी पूरे उज्जैन में जिस तरह से हो रही है उसको बताना मुश्किल है। हर हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को कल हम लोगों ने फेस किया वो वर्णन करना बहुत ही कठिन है शब्दों में। इतना डर, इतनी सिहरन मुझे अपने जीवन में पहली बार महसूस हुई। अस्पताल का मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ के सारे सदस्य पूरी रात पूरा दिन प्रयास कर करके कहीं से भी ऑक्सीजन लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि 30 मिनट में ऑक्सीजन हमारी ख़त्म होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो कई पेशेंट की जिंदगियां हम लोग देखते देखते बचा नहीं पाएंगे। ये डर, ये जो महसूस मैंने उस पल में किया है, ये ज़िंदगी में आज तक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। कोरोना को लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहले मुझे भी लगता था, पिछली बार जब कोरोना हुआ सारे लोगों को पॉजिटिव हो रहे थे, मैंने हॉस्पिटल बंद नहीं किया, पूरे टाइम काम किया और मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे तो कोरोना होगा ही नहीं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर कात्यायन मिश्रा को हुआ, मेरे बेटे को कोरोना हुआ, उस समय भी मुझे कोरोना नहीं हुआ तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत छोटा सा वायरस है जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और इस संक्रमण से मेरा शरीर आसानी से लड़ लेगा। लेकिन दिसंबर के एंड तक आते आते मुझे भी कोरोना हुआ, लेकिन ईश्वर की दया है कि वो सकुशल में उस फेस को रिकवर कर पाई और बहुत आसानी से उससे मैं अपना पिंड छुड़ा पाई। लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना फैल रहा है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत घातक है और आप रोज़ ही पेपर में पढ़ रहे होंगे ऑक्सीजन कम हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, एंटीजन टेस्टिंग की किट्स ख़त्म हो गई हैं, सारे संसाधनों की लगातार तेज़ी से कमी हो रही है। आप दोष अस्पताल को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, पर अपने दोष को कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि अगर कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है और इतना खतरनाक विस्फोट हो रहा है तो उसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की होती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है अपने आप को बचाएं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि कोरोना बहुत प्यार से आए और प्यार से चला जाए। हम कितने सारे नुकसान देख रहे हैं, कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। कोरोना को बचने का एक ही तरीका जो बार बार बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। आप पूरे उज्जैन में देखिए लोग लगातार घूमे जा रहे हैं, सब दूर देखिए लोग घूमे जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, उन्हें डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। मास्क से जैसे कि लोगों का नाता टूट गया है। पुलिस, डॉक्टर, इनकी अपनी सीमा है, अपनी एक लिमिट है, लेकिन आपको खुद को, स्वयं को बचाने की जवाबदारी आपकी भी है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह की भयावहता का हम लोग अस्पताल वाले टेंशन ले रहे हैं, और ये सिर्फ जेके हॉस्पिटल नहीं, हम सभी हॉस्पिटल के उज्जैन के जितने भी लोग हैं हम पूरे कटिबद्ध हैं कि जितनी सेवाएं दे सकें उतनी अपने पेशेंट्स को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर संसाधन इस तरह से कम होते रहे तो आप सोचिए इसकी जवाबदारी किसकी होगी। मैं एक बार फिर आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, अपने आप को कोरोना से बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बार बार हाथ को सैनिटाइज कीजिए। धन्यवाद।